ठीक है, तो ये पेशेंट हमारे पास किशनगढ़ से आए थे, ये किसी डॉक्टर के द्वारा ये न्यूज़ में भी हैं। और जब ये आए थे तो मैंने इनको क्या बताया था, इनकी जो ये उंगली ये भी बिल्कुल अलग थी, अंगूठा भी बहुत ही परेशान में था। और नहीं, अंगूठा तो ठीक था, ये और ये उंगली में परेशानी थी। तो ये उंगली भी जाने वाली थी, ये तो यहाँ से जाती जो कि यहाँ से बचा ली। इनसे पूछते हैं इनको हमने क्या बताया था, और ये खुश हैं या नहीं है, और ये हमसे सेटिस्फाइड कितने हैं, हमने कितने टाइम की दवाई दी। सर आप अपने बारे में पूरा बता दो। जी नमस्कार सर, हम किशनगढ़ के पास में छोटा सा गांव है भोजियावास, वहाँ से आए हैं। और ट्रैक्टर की बेल्ट में अंगुलियाँ आ गई थी इसकी, तो अंगुलियाँ बिल्कुल कट चुकी थी पूरी। तो हमने तो जैसे सुनते हैं लोग बात कहते हैं कि कट गई तो वापस जुड़ेगी नहीं वो, हमने तो मतलब एक निराश हो गए हम कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम अजमेर गए, अजमेर डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने हमको कुछ सलाह दी, बताया कि आप जयपुर जाओ। और आपका नाम लिया सर उन्होंने कि मित्तल हॉस्पिटल में हमें सर है, तो उनके पास आप जाओ, और लेकिन काम गारंटी की 100% करूँगा मैं। और वो आपने कर दिखाया सर, जो आपने मतलब जो पॉसिबल थी उसको पॉसिबल बना दिया, अनपॉसिबल हुई नहीं वो चीज़। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो जिंदगी में पहला मेरा काम पड़ा और वो सक्सेस हुआ, इससे ज़्यादा मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं अगर कोई मेरे को इस बार मामले में पूछेंगे तो मैं ये उनको यही कहूँगा कि अमित हॉस्पिटल अजमेर रोड 200 फीट बाईपास के पास में, वहाँ जाओ और वहाँ दिखाओ। तो आपने अस्पताल कहाँ कहाँ के पेशेंट देखे थे जी? हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे ना? सिर्फ बहुत बहुत देखे, और मैंने देखा कि ट्रीटमेंट जो है 100% मुझे उनका रिजल्ट नज़र आया, तो मैं बहुत संतुष्ट खुश हूँ सर। शुरू में जब हमें देख रहे थे, पहली बार देखा था, और इतने आप सारे कॉन्टेक्ट हैं डॉक्टर से, तो आपको कैसा लगा कि जब मैं ऐसा लगा सर? उस टाइम भी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि सर हो सकता है, लेकिन जब नहीं सच बता रहा हूँ मैं हकीकत, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सर अंगुलियाँ जब कट जाती है तो कौन विश्वास करता है कि जुड़ सकती है वापस। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो सर अब उसको तो गलत नहीं बता सकते। तो इनके द्वारा यही बताना चाहता हूँ भाई, जब इंजरी बहुत सीवियर होती है तो पेशेंट बहुत ही इमोशनल होता है और परेशान हो गया, ये सोचता है कि मेरे कोई डॉक्टर हेल्प क्यों नहीं कर रहा, और डायरेक्टली ये क्यों बोल रहा है कि नहीं बचेगी और साइन कर दो और पता नहीं क्या क्या, और डॉक्टर भी पूरा टाइम लगाकर कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ठीक क्यों नहीं होती? क्योंकि जब ऐसी इंजरी होती है, हार्ट अटैक के टाइप की होती है, जब हार्ट अटैक आ जाता है तो ये नहीं पूछते अस्पताल में कि बचेगा तो ही हम अंदर एडमिट करें, आपको ऑपरेशन कराना है कराना है कराना है, अगर कोशिश करनी है और उसके बाद जो भी रिजल्ट है उसे एक्सेप्ट करना है, बेस्ट डॉक्टर को ढूंढकर ऑपरेशन कराना है, और इसमें ज़्यादा इससे कुछ नहीं हो सकता। और हम उसी चीज़ के लिए आपके सामने बताना चाहते हैं कि हम इस चीज़ के महारत हासिल कर रखिए कि अगर हमसे ठीक नहीं हो तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे लेवल के जो दूसरे डॉक्टर हैं, अगर पेशेंट का खूब लक है तो हो सकता है कि ठीक हो जाए, लेकिन पेशेंट को ये नहीं सोचना कि यहाँ ठीक नहीं हुआ, वहाँ ठीक नहीं हुआ, कहाँ नहीं ठीक हुआ, अपनी बेस्ट कोशिश कराइए क्योंकि एमरजेंसी होती है, और उन पर छोड़ देना है।